सोहना रोड बिजली एसडीओ ऑफिस में आज सुबह से कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। उन्होंने अपने एसडीओ धर्म सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धरना दे रहे कर्मचारियों का आरोप है कि एसडीओ भ्रष्टाचारी है, शाम को 5 बजे के बाद ठेकेदारों के साथ पर्सनल मीटिंग करता है, बार बार मांगने पर भी सेफ्टी किट नहीं देता, जिसको मन करे उसका ट्रांसफर कर देता है, कर्मचारियों की 7 तारीख तक सैलरी नहीं दी जाती। ऐसे ही और बहुत सारे आरोप कर्मचारियों ने एसडीओ धर्म सिंह पर लगाए हैं। जब इन सभी आरोपों के बारे में एसडीओ धर्म सिंह से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया, गलत और झूठा बताया। एसडीओ धर्म सिंह ने बताया कि उन कर्मचारियों को सही करना पड़ता है जो गलत चलते हैं, उनकी वजह से उपभोक्ता परेशान हो ये तो ठीक नहीं। जो कर्मचारी काम नहीं करेगा उसके खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाएगा। सर मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। स्टेशन रोड मुर्दाबाद। बड़े स्टेशन मुर्दाबाद। एस जो तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं साउथ सिटी बिजली बोर्ड ऑफिस में, सोना रोड जो है। तो यहाँ पे जो बिजली कर्मचारी हैं कुछ किसी मांग को, अपनी मांग को लेकर कुछ हड़ताल पे बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो इनसे आप बात करते हैं कि इनकी क्या परेशानी है और किसके खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा रामनिवास नाम है, मैं यहाँ का प्रधान हूँ सोना रोड सब डिवीजन से। ठीक है, तो आपकी क्या परेशानी है, किस वजह से आप ये नारेबाजी कर रहे हैं? एक तो ये एसडीओ है हमारे, किसी भी कर्मचारी, नाम बताइए एसडीओ। एसडीओ धर्म सिंह जो है वो हमारे कर्मचारियों को परेशान करता है, उनके आदेश इधर से उधर करता रहता है। अच्छा। अपने फायदे के लिए, और ना कोई सामान देता है उनको। हमारे कर्मचारियों के पास टूल किट नहीं है, और ये भ्रष्ट अफसर है। भ्रष्ट कैसे कह सकते हैं आप? ये निगम के हित में काम नहीं करता, ये सुबह से शाम तक ठेकेदारों को अपने पास बैठा के रखता है। अच्छा। और कर्मचारियों का पूरी तरह शोषण करता है। अच्छा। और हम इसी के, जो हमारे लड़के जिन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं, जो दो दो साल से एक सेंटर पर काम कर रहे थे और बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनको एक सेंटर से दूसरे सेंटर में लगाते हैं जिससे कोई हादसा हो सकता है। अच्छा। क्योंकि उनको उस सेंटर की नॉलेज नहीं है। ठीक ठीक। तो इससे हमारा कर्मचारी वर्ग पूरी तरह परेशान है। तो कब से बैठे हैं आप यहाँ पे धरने पे? हम आज सुबह 9 बजे हमने धरना शुरू किया था, और ये हमने जो धरने की जो है अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। तो मांग क्या है आपकी और क्या क्या मांग चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हमारे दो लड़के इसने ट्रांसफर कर दिए, दो सस्पेंड कर दिए और उनको निकाल दिया नौकरी से। हमारी मांग है हमारे दो लड़के जो निकाले हैं उनको नौकरी पर रखा जाए, और इसका जो तानाशाही रवैया है संगठन के प्रति भी, और इस एसडीओ के मतलब संगठन के प्रति भी ठीक नहीं। एसडीओ यहाँ पे कब से है? यहाँ पे एसडीओ मई 2020 से यहाँ है। अच्छा। और जिस दिन से आया है उस दिन से इसने इस कार्यालय को अपना एक निजी स्वार्थ बना रखा है। तो आपकी ये मांग भी है कि इनका तबादला होना चाहिए यहाँ से? हाँ, हमारी ये बिल्कुल सरकार से पूरी तरह मांग है, अगर ये भ्रष्ट अफसर को बदला जाए और इसको कम से कम तो जुलाना लगाया जाए, जहाँ इसकी बुद्धि ठीक हो जाए और ये प्रशासन के प्रति अपनी वफादारी वहाँ दिखाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र नरवाड़ा है, मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ सब डिवीजन के। सेक्रेटरी जी, आप बताइए आपके क्या विचार हैं यहाँ जो धरना दे रहे हैं? भाई हमारे विचार है, ये जो सब डिवीजन को जो नुकसान हो रहा है, जो कर्मचारियों को यहाँ इसने बिठा रखा है, ये सब एसडीओ की वजह से बैठे यहाँ, जो काम रुका हुआ है, जो बिलिंग है, जो रेवेन्यू का जो नुकसान होने लग रहा है, ये एसडीओ की हठधर्मिता की वजह से हो रहा है। अगर एसडीओ यहाँ प्रॉपर काम करे, प्रॉपर इनके साथ सलाह मशवरा करके, हर कर्मचारी के हित को रखे, हर कर्मचारी से बात करके काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एसडीओ अपनी मनमर्जी चला रहा है, न किसी कर्मचारी से बात कर रहा है, न किसी मैटर पे, किसी विषय पे, न किसी यूनियन से बात कर रहा है। ऊपर कहीं किसी शिकायत की अधिकारियों? हम इसकी बार बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ये यूनियन भी इससे बार बार मिल चुकी है। आप अपनी हठधर्मिता छोड़ के और इस दफ्तर को प्रॉपर तरीके से चलाओ, लेकिन ये अपने इस दफ्तर को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है।
ये किसी महकमे की प्रॉपर्टी नहीं समझ रहा। ये खासकर शाम 5 बजे के बाद दफ्तर चलाता है और अपने ठेकेदारों को 5 बजे बाद, यहाँ आप देखना कभी भी आप न्यूज वाले चैनल वाले कभी आके देखना, 5 बजे के बाद यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ ठेकेदार बैठते हैं इसके पास, ये ठेकेदारों के पास अपनी सौदागिरी करता है। इसीलिए भ्रष्ट अफसर है, इस भ्रष्ट अफसर को जितना जल्दी बदला जाए ठीक है, नहीं तो ये नुकसान जो रेवेन्यू जो नुकसान हो रहा है ये इसी का, हम तो यही कहना चाहते हैं हमारे तहलका न्यूज हमारी इस बात को ऊंचे तक आगे पहुंचाए और इस अफसर को जल्दी से जल्दी। अभी आप सुन रहे थे यहाँ के बिजली कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ के जो SDO हैं इनका आरोप है कि ये एक नंबर के भ्रष्ट हैं, यहाँ ठेकेदारों से अपनी पर्सनल मीटिंग ये ड्यूटी के टाइम के बाद में करते हैं, अपनी मनमर्जी से जो कर्मचारी हैं इनका तबादला कर देते हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं, जिससे कि ये बेहद दुखी, इनकी मांग है कि इन जो SDO हैं इनका तबादला भी यहाँ से जल्द हो। मैं प्रदीप निराला, तहलका हरियाणा, गुड़गांव, सोना रोड। इनकी जो वाजिब डिमांड थी वो तो सारी मान रखी है, प्रोसेस कर रखी है। अच्छा। मतलब ये बहस जिद्दोजहद पे उतरे हुए हैं। देखो इन्होंने जो मांग रखी है जैसे किट जो मांगने की बात करें पिछले 2 साल से वो कह रहे हैं। नहीं, T&B किट के लिए हमने प्रोसेस कर रखी है, ऊपर लिख के दे रखा है और रिक्वायरमेंट ऊपर भेज रखी है, जल्दी मिल जाएगी इनको जितनी भी जरूरत होगी। और दूसरा फर्नीचर के लिए डिमांड भी, बल्कि इनमें ही एक जो मेरा SDC है डिमांड भी है उसमें ऊपर परचेज ऑर्डर के लिए भी वो रखे हैं और वो तैयार है। ना इनके मेरा जाते क्या ऐसा था नहीं, लेकिन फिर भी हमने जो एजेंसी इनको दे देती है, हमारा डिपार्टमेंट तो 1 तारीख को डोट 1 तारीख को खाते में ट्रांसफ़र करता थे, डोट 2 तारीख को जो कॉन्ट्रैक्टर है इन कॉन्ट्रैक्ट वालों को दे देता है, डिपार्टमेंट दे देता है और उनको भी हमने डायरेक्शन दे दी कि आप इनको 7 तारीख से पहले तनख्वाह दे दें। नासिर खान की एक जेई ने ही इसको बाहर करने के लिए, इसकी कुछ गलतियां के लिए रिकमेंड किया था, उसके लिए इसको दंडित करने के लिए कहा था। ये कौन तो कुछ कह रहे हैं कि कुछ लोगों को आपने ट्रांसफ़र भी कर दिया है यहाँ से, उनको बुलाने के लिए बारे में सोच रहे हैं, आपने किसी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है क्या? ये ट्रांसफर तो कोई नए फोरमैन और लाइनमैन आए थे उस टाइम, एडजस्टमेंट हुई थी लोग यहीं ऑफिशियल एडजस्टमेंट। रही बात FIR वाली, तो ये कोई हमारे मीडिया के लड़के ने रीडिंग ब्लॉक कर रखी थी और उस ब्लॉकेज के कारण करवाई थी। तो ये बाहर आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारे जो SDO हैं वो भ्रष्ट हैं ऐसा, एक भी तो सिद्ध करके तो बताएं ये, और ऐसी तो चीज़ें बाद में ठेकेदारों के साथ मतलब नहीं, एक मिनट भी नहीं बैठता हूँ, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्डिंग पे हैं। मैं जो ऑफिस का काम ख़त्म होते ही कोई भी यहाँ एक भी ठेकेदार नाम की चीज़ आती भी नहीं है, एक सिंगल वन भी। अब भी आपने 2 घंटे हो गए आपको बैठे हुए, वो देखे ठेकेदार? तो आपका कहना ये है कि जो भी वो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार, बिल्कुल निराधार। तो अभी आप इनके बारे में कुछ एक्शन लेने वाले हैं? एक्शन मैं थोड़े लूँगा, मैनेजमेंट लेगी साहब, मेरे पास पावर थोड़ी। बात तो हम तो पता पहुँचा देते हैं सुबह सुबह।